भारतीय जनता पार्टी द्वारा पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महामंत्री हाजी सगीर सईद के नेतृत्व में संबली गेट के चौराहे से महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी पर जुलूस निकाला। केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए और प्रदेश सरकार से इस्तीफा मांगने के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महामंत्री हाजी सगीर सईद ने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी कमाने के लिए जूझना पड़ रहा है। महिलाओं को अपनी रसोई में बचत का कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा। आम जनता को इस महंगाई के दौर से छुटकारा चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना ही होगा, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जो सभी के हितों के बारे में सोचती है और महंगाई पर अंकुश लगा सकती है, क्योंकि इस सरकार के हाथ से महंगाई की लगाम छूट चुकी है। ये सरकार पूंजीपति की सरकार बन चुकी है। इस सरकार को आम जनता के सुख से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई के खिलाफ जुलूस में जमाल नासिर, उदयपाल सिंह, मकसूद अहमद, दानिश अंसारी, पंडित गजेंद्र प्रकाश शर्मा, आसिफ अली, शारिक अहमद, अरविंद रस्तोगी, अनिल मल्होत्रा आदि लोग शामिल थे। ये कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और माननीय डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, लालजी देसाई जी के आदेश अनुसार यहाँ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को कम करने के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और ये बैलगाड़ी पे हमें जाना पड़ रहा है। पहले हम लोग डीजल और पेट्रोल की वजह से कार में जाया करते थे, लेकिन अब बैलगाड़ी में चलना पड़ रहा है। देश के हालात बहुत ख़राब है, ना बिजली है, ना पानी है, ना रसोई गैस के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इससे महिलाएँ बहुत परेशान हैं। खाने पीने की चीज़ों पर तमाम महंगाई बढ़ गई है। बहुत बुरा हाल है देश का। इसलिए कांग्रेस को जागना पड़ा है और कांग्रेस को उठना पड़ा है। कांग्रेस ने पहले भी गोरों को भगाया था और कांग्रेस सेवा दल अब चोरों को भगाएगी, ऐसा हमने तय किया। आपका कहां से लेके कहां तक है? ये हमारा प्रदर्शन सबली गेट से और कचहरी तक जाएगा।